हमीरपुर के गांधी चौक पर एनआईटी के छात्र छात्राओं ने नाटक नुक्कड़ कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। एनआईटी के छात्र छात्राओं ने नाटक के माध्यम से लोगों को मानसिक तनाव किस तरह से होता है और इसे कैसे बचा जा सकता है इसकी जानकारी दी। इस तरह के नुक्कड़ नाटक हर जिला में किए जा रहे हैं ताकि लोगों को तनाव मुक्त रहने के लिए जागरूक किया जा सके। एनआईटी के छात्रों ने बताया कि आज मानसिक तनाव की बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह के नुक्कड़ नाटक दिल्ली में भी आयोजित किए जाएंगे, लेकिन आज इसकी शुरुआत हमीरपुर से की जा रही है। उन्होंने बताया कि आज के दौर में लोग मानसिक तनाव से ज्यादा जूझ रहे हैं, इसी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नाटक नुक्कड़ आयोजित किए जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं हम लोग, एनआईटी हमीरपुर से आए हैं और हम सब लोग ड्रामेटिक्स क्लब के यहाँ पे मेंबर्स हैं सारे, और दिल्ली में एक कॉलेज है शहीद सुखदेव भगत सिंह कॉलेज, तो वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं मंथन, तो उसके तहत हम मतलब हर जगह पे हर शहरों में जो चौक होती है वहाँ पे परफॉर्म करते हैं नुक्कड़ नाटक और लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं। इस नुक्कड़ नाटक का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। जो लोगों को मतलब डिप्रेशन हो जाता है तो लोग जनरली ये समझते हैं कि ये बीमारी नहीं है, पर असली में एक बहुत मानसिक बीमारी है। लोगों को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि लोग इस पर इग्नोर करते हैं, इसी वजह से बीमारी भारत में आज बढ़ती जा रही है। आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आएंगे, देख के आपको सीखने को मिलेगा। हजार में से फ्री बढ़ता जा रहा है पूरे दुनिया में रेट, तो इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए एनआईटी हमीरपुर के हम सब ड्रामेटिक्स क्लब के छात्र यहाँ पे आए हैं और इसको लेकर हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। तो अभी सबसे पहले हम यही दिखाने वाले हैं हमीरपुर में सबसे पहले, तो यहाँ की जनता को अवेयर करने के लिए। कुछ नहीं, जो कि इस गंभीर बीमारियों पर निर्भर है।